हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंतरा और मेरी आज की रेसिपी है आलू सोयाचंक मसाला। आलू सोयाचंक मसाला बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बनती है और ये एक बहुत ही हेल्दी डिश है। सोयाचंक मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 50 ग्राम रिफाइंड तेल, 2 बड़े प्याज बारीक कटी हुई, 2 टमाटर बारीक कटी हुई, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च पेस्ट, 1 तेजपत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च, आधा टेबल चम्मच जीरा, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार। मैंने 2 आलू लिया है और बारीक काट लिया है और इसको बॉईल कर लिया है और सोयाचंक्स को मैंने बॉईल कर लिया है और छान के रखी है। मसाले को बनाने के लिए मैं एक पैन में थोड़ा सा तेल डाल दूंगी, तेल को गर्म होने देंगे। अब इसमें 1 तेजपत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। अब इसमें जीरा डाल देंगे। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। प्याज अब रेड कलर की हो गई है। अब इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। अब इसमें टमाटर को डाल देंगे। टमाटर थोड़ा सा पकने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे, 1 टेबलस्पून हल्दी डाल देंगे और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। टमाटर अभी गल गई है। अब इसमें 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर। मसाले को थोड़ी देर के लिए और पका लेते हैं। अब इसमें बॉईल किया हुआ आलू डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसमें हम सोयाचंक्स को डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। इसको 2 मिनट के लिए ऐसे पका लेते हैं और उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। अब इसमें पानी डाल देंगे। अब इसको ढक देंगे। अब ढक्कन हटा के देखते हैं। पानी अभी सूखी नहीं है तो इसको और 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। 2 मिनट पकने के बाद अब देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि सोयाचंक्स मसाला अभी तैयार हो गई है। अभी गैस ऑफ कर देते हैं। तो लीजिए, तैयार है आलू सोयाचंक मसाला। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये एक बहुत ही हेल्दी डिश है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप अपने घर पे ज़रूर बनाइए और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।